जी हाँ, ये सवाल यूपी में हर वो इंसान पूछता है जिन्होंने यूपी में अपराध और भ्रष्टाचार का सामना किया है। यूपी में योगी सरकार प्रदेश को भले ही क्राइम फ्री प्रदेश बताती हो, लेकिन ये कितना सच और कितना झूठ है ये हम आपको अपने इस खास प्रोग्राम में बताने जा रहे हैं। जी हाँ, यूपी में भ्रष्टाचार और अपराध कितना चरम पर है ये हम आपको इन 6 तस्वीरों में दिखाने जा रहे हैं। इन 6 तस्वीरों को आप अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर देखिए और समझिए कि यूपी कितना क्राइम फ्री है। अमेठी, हमीरपुर, लखनऊ, सीतापुर, गोंडा और प्रतापगढ़, एक एक तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। इस एक एक तस्वीर की तहकीकात भी करेंगे अगले आधे घंटे। फिलहाल ये तस्वीरें आप देखिए, अमेठी में जहां एक वीडियो तेजी के साथ वायरल हो रहा है जिसमें एक मासूम बच्चे को बुरी तरह से पीटा जा रहा है। हमीरपुर में भी कुछ ऐसी तस्वीर सामने आई है अपराध की। वहीं लखनऊ में भी कुछ तस्वीरें सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है जो कि अब वायरल हो रही है। सीतापुर की आप ये तस्वीरें देखेंगे, सीतापुर में भी ऐसा ही हाल है। गोंडा में भी चोरी चकारी लगातार बढ़ रही है। प्रतापगढ़ में दबंगों के हौसले कितने बुलंद हैं ये तस्वीरें देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं। जो ये थे 6 तस्वीरें और इन 6 तस्वीरों पर हम अगले आधे घंटे बात करने वाले हैं। अलग अलग जगह की 6 तस्वीरें, अमेठी, हमीरपुर, लखनऊ, सीतापुर, गोंडा, प्रतापगढ़। इन 6 तस्वीरों में क्या हो रहा है, क्या ये पूरा मामला है, क्या खबर है, हम आपको विस्तार से बताएंगे। फिलहाल ये तस्वीरें आप देखिए और समझने की कोशिश करिए कि हम उत्तर प्रदेश में रहते हैं या उत्तर प्रदेश में रहते हैं, जिस उत्तर प्रदेश में क्राइम का ग्राफ लगातार बढ़ता जा रहा है। हमें ढांढस बनाया जाता है कि हम क्राइम फ्री प्रदेश में रह रहे हैं। महिलाएं आराम से रात को भी घर के बाहर निकल सकती है बिना किसी आपत्ति के, लेकिन सच क्या है, हकीकत क्या है, उससे हम आपको रूबरू कराएंगे और दिखाएंगे कि हालात कैसे हैं। चाहे मासूम बच्ची हो, चाहे युवा हो, चाहे फिर यहाँ पर बढ़ता अपराध हो। और सिर्फ बदमाश ही नहीं, उत्तर प्रदेश की कई जगह की पुलिस भी ऐसी है जो दबंगई दिखाती है और ऐसे तमाम मामले पहले भी सामने आ चुके हैं। तो वारदातों का सिलसिला कब थमेगा, सबसे बड़ा सवाल। अपराधियों पर, भ्रष्टाचारियों पर कार्रवाई कब होगी, ये भी अहम सवाल है जिसके जवाब तलाशने की कोशिश हम अगले आधे घंटे करने वाले हैं। सबसे पहले हम अमेठी की बात करेंगे, उसके बाद हमीरपुर, उसके बाद लखनऊ, उसके बाद फिर हम सीतापुर भी जाएंगे, फिर गोंडा और प्रतापगढ़। लखनऊ यहाँ पर सबसे ज्यादा फोकस है क्योंकि लखनऊ प्रदेश की राजधानी है। अगर वहां पर भी रोजाना क्राइम बढ़ रहा है तो अंदाजा आप लगाइए कि बाकी जिलों के क्या हाल होंगे। हमसे वादे और दावे किए जाते हैं कि अपराध मुक्त प्रदेश हम आपको देंगे, अपराध पर लगाम हमने लगाई है, लेकिन अपराध पर कितनी लगाम लगी है वो तो आम जनता ही बता सकती है। कई मामले ऐसे होते हैं कि लोग डर की वजह से, पुलिस की दबंगई की वजह से या बदमाशों की मिलीभगत की वजह से आगे नहीं बढ़ पाते। तो अमेठी की तस्वीरें आप देख रहे हैं और ये पहली तस्वीर है। सोशल मीडिया पर पिटाई कांड का वीडियो तेजी के साथ वायरल हो रहा है। ये मासूम बच्ची है, कितनी बुरी तरह से इसे पीटा जा रहा है, डंडे लेकर ये लोग इसकी पिटाई कर रहे हैं। तो अपनी पहली खबर की ओर हम बढ़ रहे हैं, सोशल मीडिया। सोशल मीडिया वो प्लेटफॉर्म है जो किसी भी इंसान को रातों रात स्टार बना देता है, तो किसी को पल भर में अर्श से फर्श पर ले आता है। लेकिन कुछ सोशल मीडिया पर तस्वीरें ऐसी आती हैं जो सोचने पर मजबूर कर देती हैं। जी हाँ, अच्छाई हो या बुराई, सोशल मीडिया से कुछ भी छिप नहीं सकता है और इसलिए सोशल मीडिया पर एक और हैवानियत भरा वीडियो सामने आया। इस वीडियो में दो लोग एक नाबालिग बच्ची को बेरहमी से पीटते हुए दिख रहे हैं। उनके आसपास खड़ी महिलाएं बस तमाशबीन बनी हुई है। इतना ही नहीं, पास में खड़ी है ममता की मूरत इस बच्ची की पिटाई पर ठहाके मार रही है। मैं चाहूंगी कि इसका एम्बियंस भी हमारी पीसीआर टीम सुनाए ताकि प्रदेश की जनता ये देख सके कि कितना ज्यादा बर्बरता जो है वो प्रदेश में बढ़ रही है। तो अमेठी की तस्वीरें आप देख रहे हैं, यहाँ पर कुछ महिलाएं भी हैं लेकिन महिलाएं उफ तक नहीं कर रही हैं। मासूम बच्ची को पीटा जा रहा है लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ पर कोई भी कुछ बोलने के लिए तैयार नहीं है।
और इसी खबर पर ज्यादा अपडेट के लिए मेरे सहयोगी रणविजय मेरे साथ जुड़ गए हैं। रणविजय, जो अमेठी से तस्वीरें वायरल हो रही हैं, नाबालिग बच्ची की बेरहमी से पिटाई की जा रही है, पहले तो ये पूरा मामला समझाइए, पूरा मामला कब का है, ये वीडियो कब का है? जी जी, मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये पिछले 24 घंटे पहले का मामला है, जिसमें मात्र छोटी सी बात को लेकर तीन आपराधिक किस्म के, जो कि पहले भी कई आपराधिक मामलों में जिले से बाहर रहने के आदेश इनके लिए हो चुके हैं, लेकिन जिस हिसाब से ये इस बच्ची को निर्दयता से पिटाई कर रहे हैं, ये बातें बहुत ही समाज को, समाज के लिए बहुत बड़ी बात होगी कि एक छोटी सी बच्ची जो कि मंद बुद्धि भी बताई जा रही है, एक छोटे से मामले को लेकर इसको बहुत बुरी तरह से पिटाई। क्या ये पूरा मामला है और ये जो शख्स पीट रहे हैं ये कौन है? क्योंकि इन तस्वीरों को देखकर ये अंदाजा लगाया जा रहा है कि घर में ही ये मारपिटाई की तस्वीरें सामने आई हैं, क्योंकि आसपास के जो लोग हैं वो वीडियो भी बना रहे हैं। जी जी, ये मामला मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये जो पीटने वाले शख्स हैं, ये भी ये पहले पिछले कई काफी समय से जो है जिला बदर इनको अपराधी कहा गया है मिली जानकारी के अंदर, और मात्र छोटा सा मामला जहाँ देखने में कि कोई मोबाइल की बात लेकर आई थी कि इस बच्ची ने भूल बस के, चाहे जैसे भी आप कह लीजिए कि उसने मोबाइल को हटाया है, जिसकी जानकारी के लिए इन लोगों ने उस बच्ची को बुरी तरह से पीटा है। पूरे मामले में अब तक कोई कार्रवाई हो पाई है, क्योंकि वीडियो तो तेजी के साथ वायरल हो गया है? जी जी, जिस हिसाब से इनका सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हुआ, जिसको तत्काल जो है संज्ञान लेने के बाद पुलिस प्रशासन हरकत में आई है और तत्काल बहुत तेजी से कार्रवाई करते हुए इन तीनों को कल रात तक गिरफ्तार किया गया है। रणविजय, जो महिलाएं यहां पर बताई जा रही हैं, जो खड़ी हैं, जो वीडियो बना रही हैं, जो हंस रही है, ये महिलाएं कौन है? जी मैं बताना चाहूंगा, इन महिलाओं के बारे में कोई विशेष जानकारियां नहीं मिल पाई है, लेकिन ये महिलाएं उसी घर की सदस्या है घर में इस लड़की के साथ। मतलब ये जो पूरी वारदात है वो घर में ही हुई है, मतलब मासूम बच्चियां ना तो घर में सेफ है और ना ही बाहर सेफ है। जी 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 जी, ये मैं बिल्कुल आपको बताना चाहूंगा कि महिलाओं को, अब जहां तक महिलाओं की बात आती है, तो महिलाएं पूरी तरह से सुरक्षित अपने आप को ना ही महसूस कर पाएंगे और ना ही आगे किस प्रकरण को देखने बाद लगता है कि अपने आप को महसूस कर सकती है। रणविजय, जो पूरा मामला है वाकई दिल दहला देने वाला है। जिस तरह से आपने बताया कि इस पूरे मामले में कार्रवाई हुई है, कार्रवाई की बात तो हर मामले में हम देखते हैं, लेकिन इन दरिंदों को कड़ी से कड़ी सजा कब मिलेगी, कब तक हमें इंतजार करना पड़ेगा? जी मैम, मैं बताना चाहूंगा कि इस तरह के जो जितने भी घिनौने अपराध किए जाते हैं, ये कहीं ना कहीं से राजनीतिक मुद्दा का भी एक मोहरा बनाया जा सकता है कि इसको किसी भी तरह से पकड़िए, पकड़ने के बाद रखिए, रखने के बाद आपको छोड़ना है। तो ऐसे में हम ये बता सकते हैं कि महिलाएं, अगर ये बात महिलाओं पर की जाती है, तो महिलाएं जो है किसी भी समय पर सुरक्षित नहीं है। अगर इन अपराधियों के ऊपर कड़ी से कड़ी सजा का प्रावधान नहीं बनता है, तब तक समझिए कि महिलाएं जो है सुरक्षित नहीं हो पाएंगी। ठीक है रणविजय, शुक्रिया आपका तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। ये तस्वीरें सोशल मीडिया पर तेजी के साथ वायरल हो रही है, इन तस्वीरों को देखकर किसी का भी दिल दहल उठेगा, लेकिन आसपास कुछ महिलाएं थी उनका दिल नहीं पसीजा है। फिलहाल इस पूरे मामले में जैसा कि मेरे सहयोगी ने बताया कि कार्रवाई की जा रही है, लेकिन सवाल ये है कि कार्रवाई की बात हर बार की जाती है, लेकिन घर के अंदर भी मासूम बच्चियां महिलाएं सुरक्षित नहीं है, तो फिर आखिर हमें ये क्यों कहा जाता है कि महिलाएं सुरक्षित हैं? कैसे सुरक्षित हैं जब अपने घर में ही इस तरह से बंधक बनाकर एक नाबालिग को बुरी तरह से पीटा जा रहा है? यूपी में छेड़खानी की वारदातें दिन पे दिन बढ़ती जा रही है और प्रशासन है कि इन बढ़ती वारदातों पर लगाम लगाने में पूरी तरह से असफल है। ताजा मामला यूपी के हमीरपुर से सामने आया है, जहां आज से 2 साल पहले एक हिस्ट्री शीटर की महिला से किसी बात को लेकर रंजिश हो गई। वहीं इस रंजिश में आकर दबंग हिस्ट्री शीटर ने महिला से दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया।
बताया जा रहा है कि जब महिला खेत पर अपने खेतों की रखवाली कर रही थी, इसी बीच आरोपी ने तमंचे की नोक पर वारदात को अंजाम दे डाला और मौके से फरार हो गया, जिसके बाद पीड़ित महिला पुलिस के पास मुकदमा दर्ज कराने गई। वहीं दौरान थाने पहुंची महिला की पुलिस ने शिकायत तो दर्ज कर ली, लेकिन अपने ढीले रवैये के चलते इस पर कड़ी कार्रवाई नहीं हो पाई है, जिस वजह से कार्रवाई से संतुष्ट ना होते हुए महिला ने कोर्ट का दरवाजा खटखटाया और मामले में न्याय की गुहार लगाई है। लेकिन सवाल ये है कि पुरानी रंजिश थी, 2 साल पहले का ये पूरा मामला, इस रंजिश के चलते महिला के साथ तमंचे की नोक पर दुष्कर्म किया गया, जब महिला थाने पहुंची है इसकी शिकायत कराने के लिए, तो मामले को रफा दफा करने की कोशिश की गई है। और इसी खबर पर ज्यादा अपडेट के लिए मेरे सहयोगी इंतजार हुसैन मेरे साथ जुड़ गए हैं। इंतजार, ये पूरा मामला 2 साल पहले का बताया जा रहा है, 2 साल से रंजिश चली आ रही है, लेकिन उसके बावजूद भी महिला को इंसाफ नहीं मिल पाया है, क्या वजह है? जी, आपको बता दें, पूरा मामला हमीरपुर के मुस्कुरा थाना थाने का है, जहाँ पे 2 साल पहले एक महिला के साथ बलात्कार और मारपीट की घटना हुई थी, जिसको जिसके में कोतवाली में उससे मारपीट का मुकदमा दर्ज हुआ था और छत्तर का मुकदमा नहीं दर्ज किया गया था। उसी की मांग को लेकर सीबीसीआई की जांच की मांग की गई है और उस पर आगे कार्रवाई की जा रही है। बिल्कुल इंतजार, अगर बात की जाए इस पूरे मामले की, तो पुलिस इस पूरे मामले को रफा दफा करने की कोशिश कर रही है। ऐसे में जो पीड़ित महिला है वो कोर्ट पहुंची है, वहां पर न्याय की गुहार लगाई है, इंसाफ कब मिलेगा? पुलिस क्या कह रही है इस पूरे मामले में? पुलिस का गोलमाल जवाब है और महिला कोर्ट इसीलिए उसने कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है और अपना कोर्ट से ही न्याय मांगने का प्रयास कर रही है। चलिए ठीक है, शुक्रिया तमाम जानकारी पहुंचाने के लिए। तो महिला से दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया गया, वो भी सिर्फ इसलिए क्योंकि किसी बात को लेकर 2 साल पहले कोई पुरानी रंजिश थी। हमीरपुर का ये पूरा मामला है, पीड़ित महिला जाती है थाने, रिपोर्ट लिख ली जाती है, लेकिन कड़ी कार्रवाई नहीं की जाती। उसके बाद महिला कोर्ट पहुंची है, दरवाजा खटखटाया है कोर्ट का, न्याय की गुहार लगाई है। अब देखना होगा कि कब तक महिला को न्याय मिल पाता है। तो ये है उत्तर प्रदेश, जहाँ पर एक पीड़ित महिला थाने जाती है लेकिन पुलिसकर्मी उसकी नहीं सुनते हैं, सिर्फ खाना पूर्ति करने के लिए एफआईआर दर्ज कर ली जाती है लेकिन उस पर कड़ी कार्रवाई नहीं हो पाती। दबंगों के हौसले कितने बुलंद है अंदाजा आप लगाइए कि तमंचे की नोक पर महिला से दुष्कर्म किया गया। वहीं यूपी में बदमाश तो बदमाश, अब देश के नेता भी दबंगई दिखाने लगे हैं। ताजा मामला राजधानी लखनऊ का है, जहां एक भाजपा नेत्री ने अलकनंदा अपार्टमेंट के सिक्योरिटी गार्ड को थप्पड़ जड़ दिया और इतना ही नहीं, उसकी चप्पलों से पिटाई भी कर दी। बताया जा रहा था कि गार्ड की केवल इतनी गलती थी कि उसने बीजेपी नेत्री को सोसाइटी में एंट्री करने से मना कर दिया। फिर क्या था, मैडम को इतना गुस्सा आया कि उन्होंने वहां मौजूदा गार्ड की जमकर धुनाई कर दी, ना इधर देखा ना उधर देखा, बस बरस पड़ी, जिसका वीडियो भी वायरल हुआ है। पास में लगे सीसीटीवी कैमरे में ये फुटेज कैद हो गई, जो कि अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। लखनऊ का ये पूरा मामला है। देखिए, अपराधी हो दबंगई हो, उनसे कहीं ना कहीं पीछा छुटाना मुश्किल है, लेकिन जिन नेताओं के पास हम न्याय की गुहार लगाने जाते हैं, जिन नेताओं से हम उम्मीद रखते हैं कि वो हमें इंसाफ दिलाएंगे, प्रदेश की व्यवस्था को अच्छा करेंगे, वो नेता अगर इस तरह की हिमाकत करें तो आप सोचिए कि कहां पर क्राइम खत्म हुआ है, कहां पर क्राइम कम हुआ है। लखनऊ से मेरे सहयोगी शुभम पांडे मेरे साथ जुड़ गए हैं। शुभम, बीजेपी नेत्री ने गार्ड को थप्पड़ जड़ा है, क्या गलती थी गार्ड की, आखिर उसने ऐसा क्या कर दिया था कि बीजेपी नेत्री अपने आप को काबू में ना रख पाई? जी हाँ, आपको जिस तरीके से बताया जा रहा है कि बीजेपी नेत्री हैं उनकी तरफ से गार्ड को थप्पड़ मारा गया, साफ कहा जा सकता है कि अलकना जो है अपार्टमेंट के पास जो सिक्योरिटी गार्ड जो रहता है वहां पर, जाहिर सी बात है जितनी भी बिल्डिंगें होती है, चीजें होती है, अपॉइंटमेंट वगैरह होते हैं, वहां पर गार्ड अवेलेबल होते हैं, गार्ड वहां पर रहते हैं। उसी के साथ साफ कह सकते हैं कि जब उनकी तरफ से जब उसने वहां पर रोका, जाहिर सी बात है कि उसकी जिम्मेदारी है, जिम्मेदारी अपनी जब
ड्यूटी निभा रहा है तो सभी को जो है चेक करके ही भेजता है कि आखिरकार कौन कहाँ जा रहा है। उसी के दौरान उसको जब रोका गया तो बीजेपी जो नेत्री है उनके अंदर जो उनका जो गुस्सा है साफ देखा जा सकता है तस्वीरों में, किस तरीके से एक गार्ड को चप्पलों से मारने की पूरे तरीके से मारा और कह सकते हैं कि बीजेपी की नेत्री अपने रोब को किस तरीके से झाड़ रही है जहां जो है भारतीय जनता पार्टी कहती है कि गुंडा मुक्त हो चुका है, गुंडे भाग चुके हैं और अपराधी नहीं। शुभम, सबका विकास, सबका साथ और सबका विश्वास बीजेपी का ये नारा है। कहां विश्वास करें, कहां यहां पर साथ हम चले और कहां पर विश्वास करें? यह बिल्कुल कह सकते हैं, जब बीजेपी कहती है कि सबका साथ सबका विकास, लेकिन वहीं पर जब इस तरीके के नेता जब मौजूद होंगे और इस तरीके से जो है गलतियां करते रहेंगे, अपने रोब को दिखाते रहेंगे, तो जाहिर सी बात है कि जब आम जो जाहिर सी बात है छोटा सा एक एम्प्लॉय है जब उसको जब सारे बाजार जब थप्पड़ मारा जाएगा, जब उसकी तहरीर दी गई है, अभी तक जो है उसकी तहरीर पर किसी भी तरह की कार्रवाई भी नहीं की गई। साफ पाया जाता है कि जब बीजेपी के नेता इस तरीके से गुंडाई करेंगे तो जाहिर सी बात है कह सकते हैं कि लगातार जो है बीजेपी सपा के ऊपर आरोप लगाती है कि सपा के नेता जो है तो ऐसे नेताओं को बर्खास्त क्यों नहीं किया जा रहा है? ऐसा नहीं है कि मामला छिपा हुआ है किसी से, जो सीसीटीवी लगा था वहां पर फुटेज कैद हो गई है और अब तेजी के साथ वायरल भी ये वीडियो हो रहा है, तो फिर एक्शन में देरी क्यों? लेकिन साफ कह सकते हैं जिस तरीके से बीजेपी नेताओं जो नेत्री है उनका जो थप्पड़ मारने का जो वीडियो जो सीसीटीवी में कैद हुआ है, अब जो है मीडिया की सुर्खियों में जब खबरें आई हैं उसके बाद जो है जो शहर की जो सरगर्मी है वो बढ़ेगी और जाहिर सी बात है बीजेपी की तरफ से कुछ कार्रवाई की भी बात कह सकते हैं कि क्योंकि बीजेपी हमेशा कार्रवाई तो जरूर करती है लेकिन उनके नेताओं की तरफ से लापरवाहियां भी देखी जाती है किस तरीके से वो लापरवाही करते हैं। ठीक है शुभम, शुक्रिया तमाम जानकारी पहुंचाने के लिए। तो लखनऊ का ये पूरा मामला है जहां पर बीजेपी नेत्री का गुस्सा इस कदर फूटा कि उसने सिक्योरिटी गार्ड की जमकर धुनाई कर दी है। पहले थप्पड़ जड़, उसके बाद चप्पलों से उसकी पिटाई कर दी है। तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरह से वीडियो वायरल हो रहा है, लेकिन अब तक इस पूरे मामले में बीजेपी ने चुप्पी साधी हुई है। बीजेपी की तरफ से कोई कार्रवाई अब तक इस पर नहीं की गई है। आप देखिए, वो सिर्फ एक गार्ड जो सबसे निम्न तबके का है वो अपनी ड्यूटी कर रहा था, लेकिन शायद बीजेपी नेत्री जिनकी जिम्मेदारी है वो अपनी जिम्मेदारी से पीछे हट रही थी, या फिर हो सकता है कि वो बीजेपी नेता होने का रौब झाड़ रही हो। छह तस्वीरें आपके सामने हैं, अमेठी, हमीरपुर, लखनऊ, सीतापुर, गोंडा, प्रतापगढ़। इन छह तस्वीरों की बात हम लगातार आपसे कर रहे हैं। तीन जगहों की हमने बात करी है, अमेठी, हमीरपुर और लखनऊ। इन पूरे मामलों में अब तक कोई भी इंसाफ पीड़ित के साथ नहीं हो पाया है। अगली तीन खबरों का भी हम रुख करेंगे, तीन तस्वीरें जो आपके टेलीविजन स्क्रीन पर है इसके बारे में हम बात करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे कि क्या इन तीन जगहों पर पीड़ितों को इंसाफ मिल पाया है या नहीं। सीतापुर, गोंडा, प्रतापगढ़ से एक वीडियो बहुत तेजी के साथ वायरल हो रहा है, यहाँ पर एक पुलिसकर्मी भी नजर आ रहा है। गोंडा की तस्वीरें हैं, सीतापुर की तस्वीरें हैं, इनकी हम बात करेंगे। यहाँ पर पीड़ितों को कितना इंसाफ मिला है, यहाँ पर अपराधियों पर कितना लगाम लगा है, ये जानने की हम कोशिश करेंगे। फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के रुक रहे हैं, जल्द लौटेंगे। देश में अपराध पर लगाम लगी है, वो समझ सकेंगे कितनी लगाम लगी है। सीतापुर, गोंडा, प्रतापगढ़ का हम रुख करेंगे, इन तीन तस्वीरों को हम दिखाएंगे। इनसे पहले हमने तीन तस्वीरों की और बात की है जहां पर पीड़ितों को इंसाफ नहीं मिला है, तो अब हम जानेंगे कि सीतापुर में जो भी अत्याचार हुआ है क्या पीड़ित को इंसाफ मिल पाया है। तो उत्तर प्रदेश की सीतापुर में जिला अस्पताल से लेकर पोस्टमार्टम हाउस तक पैसों का खेल चल रहा है। जी हां, यहां लोगों को एक वीडियो के साथ मैसेज भेजा जा रहा है जिसमें साफ लिखा है कि अगर पैसा नहीं दोगे तो शव को बिना सील किए ही ले जाओ। बता दें कि कारनामा अस्पताल और पोस्टमार्टम हाउस की मिलीभगत से हो रहा है। इतना ही नहीं, यहाँ परिजनों से 700 रुपए प्रति शव की मांग की जा रही है और पैसे ना देने पर बॉडी को बिना सील के ही दिया जा रहा है। ये देखिए सीतापुर की तस्वीरें हैं, पैसे लो और तब शव ले जाओ। एक तो वैसे ही आम आदमी परेशान, किसी ने अपनों को खोया, लेकिन उसका शव भी आपको ऐसे नहीं मिलने वाला। जब तक आप 700 रुपए नहीं देते तब तक आपको अपने का शव भी नहीं मिलेगा। सीतापुर से तस्वीरें वायरल हुई हैं, एक खास मैसेज आ रहा है कि अगर आपको अपनों को
जिसको खोया है उसका शव चाहिए तो 700 रुपए दीजिए और शव ले जाइए बिना सील किए, यानी कि शक विशक हालत में शव आपको दे दिया जाएगा। तो जिला अस्पताल से लेकर पोस्टमार्टम हाउस तक ये खेल चल रहा है। लोगों को एक वीडियो के साथ एक खास मैसेज भेजा जा रहा है जिसमें साफ तौर पर लिखा है कि अगर पैसा नहीं दोगे तो शव को बिना सील किए ही यहां से ले जाओ। बता दें कि ये कारनामा अस्पताल और पोस्टमार्टम हाउस की मिलीभगत से चल रहा है। स्वास्थ्य विभाग जो कहता है कि उत्तर प्रदेश में स्वास्थ्य व्यवस्थाएं बेहतर हैं। इतना ही नहीं, यहां परिजनों से 700 रुपए प्रति शव की